फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। चेस्ट का 1/4 लेते हैं, प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्महोल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिया है मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका 1/4 आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ये डीप नेक ब्लाउज है, तो 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। डीप नेक के लिए हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हैं और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर आ रही हमारी 28 है पूरी कमर, तो उसका 1/4 आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम न्यूज़पेपर पर निकालेंगे। अगर आपका अस्तर का फैब्रिक 1 मीटर का हो तो आप डायरेक्ट अस्तर पर निकाल सकते हैं। अरे, हमारा बेल्ट ब्लाउज है, तो 1 इंच पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बेल्ट ब्लाउज के लिए 1 इंच छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट लेना होता है। अब 1 इंच की लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से हमें बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है न्यूज़पेपर के ऊपर। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए, इसी तरह से फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे हम। फ्रंट का नेक निकालना है, तो विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच और नीचे से विड्थ में 2 इंच लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो 3 इंच दोनों साइड से लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड से 3 इंच लेते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए सामने की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे और ऐसे हमें बेल्ट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है। 34 हमारी कटोरी चेस्ट है, तो उसके हिसाब से 4.5 इंच पर हमारी कटोरी आएगी। सेंटर से 4.5 इंच, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच और नेक की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए पूरे डॉट को हमें ऐसे जोड़ लेना है। देखिए, छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब हमें कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये भी हम न्यूज़पेपर पर निकाल लेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे, जो हमने फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दी है उसको ही कट कर लेना है और बेल्ट को अलग कर लेंगे। अब फ्रंट के नेक की कटिंग कर लेंगे और कटोरी ये हमारी छोटी निकल के आ रही है उसको हमें अलग कर लेना है। जैसे मार्किंग ही है उसी के बराबर से कटोरी को कट कर लेंगे। देखिए, छोटी कटोरी निकल के आ रही है। अब कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं ये हम देखेंगे। तो साइड से हमें कटोरी को छाट लेना है थोड़ा। ऐसे हम साइड से छोटी कटोरी को छाट लेंगे और एक न्यूज़पेपर लेते हुए एज इट इज छोटी कटोरी की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, छोटी कटोरी के बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों साइड से 1 इंच लेना है। ये बहुत ही छोटे चेस्ट का ब्लाउज है, तो 1 इंच बढ़ा रहे हैं हम दोनों साइड से। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे, टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर से 1/4 इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब सामने की तरफ से 1/2 इंच हाई हुक के लिए बढ़ाएंगे और साइड से सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच बढ़ा लेना है। देखिए, इसी तरह से बड़ी हुई कटोरी हमारी निकल के आ रही है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। अब सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं, तो ये बड़ी हुई कटोरी हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए कट करेंगे।
देखिए आप हमें सभी पार्ट अस्तर के फैब्रिक पर और मेन फैब्रिक के साथ मैंने कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए स्लीव्स की कटिंग भी मैंने कर ली है। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है, फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो जो हमने कटोरी कट की है उसको हम मेन फैब्रिक के साथ भी कट किया है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच लगा लेनी है। सबसे पहले अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे, अस्तर के बराबर से सिलाई कर लेनी है। और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी कटोरी रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें दोनों कटोरी रेडी कर लेनी है। अब साइड का पार्ट भी हम मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से उसको स्टिच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब बेल्ट रेडी करना है तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे बेल्ट को, और हाफ इंच का मार्जिन करते हुए हमें बेल्ट को स्टिच कर लेनी है। अब पूरे छोटे कट्स लगाएंगे और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब अस्तर के फैब्रिक को फोल्ड करते हुए फिर ऑफ स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है तो अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। और जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से बेल्ट भी रेडी हो चुका है। अब इसके हम स्टिचिंग देखेंगे। तो कटोरी का डार्ट देना है 1.25 इंच नीचे की तरफ से और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। ऐसे हमें डार्ट की एक स्टिच कर लेंगे और उसको पक्का स्टिच करते हुए फिनिश कर लेना है। नीचे से सीधा कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें दोनों कटोरी रेडी कर लेनी है। नीचे से 1.25 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 2 इंच। देखिए इसी तरह से दोनों कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेना है। तो साइड का पार्ट हमें ज्वाइन करते वक्त हमेशा गले की तरफ से ही ज्वाइन कर लीजिएगा कटोरी को, ताकि नीचे से हमारा कम ज़्यादा हो तो बेल्ट अटैच करने से पहले उसको हमें छाट लेना है। देखिए इसी तरह से कटोरी अटैच हो चुकी है। अब नीचे से कम ज़्यादा हो तो छाट लेंगे, नहीं तो हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बेल्ट को रखते हुए अटैच कर लेना है। और जो हमारा डार्ट का फैब्रिक है कटोरी का उसको फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ पलटा लेना है और उसके बाद ही हम स्टिच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेंगे। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा। मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। पट्टी ज्वाइन करते हुए हमेशा नीचे से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। सामने की तरफ से गले की तरफ से कम ज़्यादा हो तो गला रेडी करने से पहले उसको हमें छाट सकते हैं। 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड कर लेना है और एक स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब दूसरे पार्ट को हम हाई की हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। हुक की पट्टी हमेशा अस्तर की फैब्रिक की ही लीजिएगा और पूरे पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रफ स्टिच दे सकते हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। गला रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। दोनों पार्ट के हाई हुक की पट्टी चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो गला रेडी करने से पहले उसको हमें छाट लेना है। अब हम
तिरछे में एक पट्टी लेते हैं अस्तर के फैब्रिक की और तुरपाई का गला रेडी करना है तो एक पाई का मार्जिन रखते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए लॉक कर लेना है स्टिच को और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से भी एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।